Hello, students. Hope you are well. This is your science teacher from DMPS, and in this class, we will continue our chapter 8, a treat for mosquitoes. Topic for today is anemia. What's that? We will get to know about anemia by reading this conversation between these students. Arthi, Rajat, Nancy, Jaskirat are talking. Let's continue. Arthi. स्टेटमेंट of आरती इज यू नो आई also हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन हमने इससे पहले भी ब्लड टेस्ट के बारे में पढ़ा था रजत के बारे में जो रजत का ब्लड टेस्ट हुआ था वो मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए हुआ था लेकिन यहाँ पर जो आरती है उसका ब्लड टेस्ट हुआ है वो बताती है आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक syringe फुल ऑफ ब्लड जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो अलग तरह से मेरा ब्लड लिया गया सीरिंज फुल भर के ब्लड लिया गया था द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया और मेरे ब्लड टेस्ट का रिजल्ट था कि मुझे एनीमिया है रजत वर्ड्स दैट ये क्या होता है अब रजत का क्वेश्चन है एनीमिया क्या होता है तो आरती बताती है द डॉक्टर सेड दैट देयर इज़ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड आरती ने बताया कि उसे डॉक्टर ने बताया था कि उसके ब्लड में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी है डॉक्टर ने उसे मेडिसिन भी दी जिससे उसे स्ट्रेंथ मिली और उसे डाइट में कुछ चेंजेस करने को कहा डाइट में उसे जैगरी यानि गुड़ आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बताई क्योंकि इनमें आयरन होता है अब नैन्सी का क्वेश्चन है हाउ कैन बी आयरन इन आवर ब्लड हमारे ब्लड में आयरन कैसे होता है तो आयरन जो होता है हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होता है और हमारे फूड में भी होता है हमें हमारे फूड से आयरन मिलता है जस्करत कहती है मैंने भी कल के न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा था रजत लाफिंग रजत हंसता है और कहता है सो देन यू एट आयरन और वॉट फिर उसके बाद तुमने क्या खाया आयरन खाया आरती कहती है सिली दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज़ आरती उसे कीज़ दिखाते हुए कहती है कि वो आयरन नहीं जो इन कीज़ को बनाने के लिए यूज़ हुआ है आई डोंट नो मुझे भी नहीं पता एक्जैक्टली वो क्या है आफ्टर आई एट अ लोट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई वेंट अप तो आरती बताती है कि मैंने जो भी डॉक्टर ने बताया ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स आमला एंड जैगरी वो मैंने सब खाए और मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया हमारे फूड में आयरन होता है और वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होता है जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं और उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है तो इसी तरह आयरन भी होता है कैल्शियम मैग्नीशियम देर आर मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स देर और इन सभी न्यूट्रेंट्स का हमारी बॉडी में अलग रोल होता है नाउ टर्न योर पेज पेज नंबर सेवेंटी एनीमिया कॉमन इन डेली स्कूल तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी एक न्यूज़ पेपर में जो सेवनटीन नवंबर 2007 की है और उसमें क्या था थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनिसपल कॉरपोरेशन स्कूल इन डेली सफ़र फ्रॉम एनीमिया तो जो ये डेली स्कूल है इसमें थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन यानी हजारों बच्चों को एनीमिया डिटेक्ट हुआ था दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ एनीमिया के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिज़िकल हेल्थ को भी और मेंटल हेल्थ को भी दोनों को अफेक्ट करता है ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देर एनर्जी लेवल आर लो और उनके एनर्जी लेवल लो होंगे एंड मेंटल हेल्थ का क्या इम्पैक्ट है दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली वो ठीक से स्टडी भी नहीं कर पाते हैं नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बींग डन इन द स्कूल एंड हेल्थ कार्ड्स आर बी मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन अब क्या है हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं हेल्थ चेकअप करके सभी बच्चों के एनीमिक चिल्ड्रन्स आर ऑल्सो बींग गिविन आयरन टैबलेट्स जिन बच्चों को एनिमिया है उन्हें आयरन की टैबलेट्स दी गई हैं यानी आयरन के लिए आयरन टैबलेट्स भी दी जा सकती हैं और हमारे फूड में हमारी डाइट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी एड किए जा सकते हैं शामिल किए जा सकते हैं जिनमें आयरन होता है जैसा कि आरती ने खाए थे डॉक्टर के सजेशन पर नेक्स्ट हम देखते हैं आरती की ब्लड रिपोर्ट्स जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं आरती की वो ब्लड रिपोर्ट है नेम यहाँ दिया गया है उसकी एज है और रोग की पहचान यानी डायग्नोस क्या हुआ है एनीमिया अभी भी उसकी जो दोनों रिपोर्ट्स हैं दोनों में ही एनीमिया है किस तरह से हम देखेंगे हीमोग्लोबिन लेवल को जो हीमोग्लोबिन लेवल की नॉर्मल रेंज यहाँ पर दी गई है आप दोनों रिपोर्ट्स में देख सकते हैं ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम पर डे लीटर तो यहाँ पर फर्स्ट रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल एट है जबकि थ्री मंथ्स के बाद उसकी ब्लड रिपोर्ट है ये आप देख सकते हैं डेट से तो आफ्टर थ्री मंथ्स जब उसने डाइट चार्ट फॉलो किया जो डॉक्टर ने बताया और वही उसने मेडिसिनस भी ली जो डॉक्टर ने दी तो उसमें उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है टेन पॉइंट फाइव हो जाता है लेकिन अभी वो नॉर्मल रेंज से कम है यानी उसे अभी वही डाइट लेनी होगी और मेडिसिन भी लेनी होंगी एनीमिया तब खत्म होगा ठीक है अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यू हैव टू आज का डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से फ़ूड आइटम्स हैं जिनमें आयरन होता है इसके लिए आप किसी डॉक्टर से भी हेल्प ले सकते हैं या अपने एल्डर्स से यानी अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो होप यू अंडरस्टैंड दिस थैंक यू हैव अ नाइस डे